बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफीर खान मेंडर से, आज मेरी पूरी टैक्सी यूनियन की तरफ से जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि डीसी पूंछ जो हैं यासीन चौधरी साहब, देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी बड़ी मेहनत और ध्यानदारी से जो है काम कर रहे हैं, हर आदमी का काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हर आदमी की छोटे से लेकर बड़े तक जो है हर आदमी की बात सुन रहे हैं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत अरसा हो गया है, बहुत अरसे से जो है हमारा पूंछ में जो है एक आरटीओ नहीं है, एक हमें वहाँ पर आरटीओ जो है वो तैनात किया जाए, क्योंकि हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन इस वक्त सफ़र हो चुकी है। मैंने पिछले दिनों में भी जो रेगुलेशन डाल के मैंने दिया था, यासीन साहब के पास में गया था, वहाँ पर मैंने दिया था और SDM साहब को भी मैंने रेगुलेशन मैंने दिया था, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया के माध्यम से कि हमारा इमीडिएट जो है वहाँ पर आरटीओ होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो जो है मैं आपके माध्यम से SDM इंतज़ामिया से और जो है आला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, इससे पहले भी यहाँ पर कई DC आए हैं और लूट घसूट करके हमारी मेंडर की जो जितनी भी हमारी रोड़े हैं, चाहे पूंछ की हैं चाहे मेंडर की हैं, उनको सफ़र करके यहाँ से चले गए, और जो भी मेहनत से जो यहाँ पर जो ऑफिसर आता है काम करने के लिए, कुछ चंद नासिर जो होते हैं वो तानाछिकी करते हैं और जो है वो मुखालफत करते हैं। लेकिन मेरी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं DC साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि DC साहब आज जिस दीनदारी से और मेहनत से जो काम आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप अपना काम करें। जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, वो मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ सब लोगों का गला मत दबाएं, आप इससे पहले भी मुखालफतें करते आए हैं और आपसे कुछ नहीं हो पाया है, आपने मैक्सिमम जो है लोगों के हकूकों पर जो है डाका डाला है, और वो डाका आज जो है आज के ज़माने में आप डाका नहीं डाल सकते। आप अपनी सियासत मत चमकाइए, आज आपकी सियासत जो है दर बरम हो चुकी है। अगर कोई ऑफिसर यहाँ पर जैसे SDM मेंडर हैं, जहांगीर खान साहब हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से DC पूंछ जो हैं वो भी मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी यहाँ पर जो है मेंडर में जितनी हमारी रोड़े हैं, कुछ चंद रोड़े हैं जिन रोडों की जो है काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, आप उन पर विजिट करें और हमारी रोडों का काम जो है अच्छे तरीके से करवाएं। जैसे पिछले दिनों में आपने BG बलोई का जो रोड का काम आपने तय तकमील तक पहुँचाया था और बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया है और बहुत अच्छा काम हुआ है, और आज हमारे लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से BG तक अच्छे तरीके से सफ़र कर रहे हैं, 10-15 मिनट तक BG पहुँचते हैं, क्योंकि इससे पहले 2-2 घंटे BG लगते थे। और एक हमारी जड़ों वाली टू मेंडर रोड है PMGSY की, और वो उसके ऊपर जो है कम से कम 3 करोड़ रुपया वहाँ पर इनके पास PMGSY वालों के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसकी इंक्वायरी करें। और हमारी जड़ों वाली टू मेंडर रोड जो है उसकी दोबारा से खस्ता हालत हो चुकी है, और उस रोड का काम जो है इमीडिएट स्टार्ट करवाया जाए और इमीडिएट उसका टेंडर लगवाया जाए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि DC साहब जो हैं हमारे पूंछ के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो करते भी हैं और आगे आने वाले टाइम में करें भी हैं। लेकिन जो लोग तानाछिकी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके आप ये चुगलियां जो हैं पुरानी मुखबी जो है आप बंद करें, और जो कोई ऑफिसर काम करता है उसको काम करने दें। और मैं अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा DC साहब से, आप ऐसे लोगों से जो है बच के रहें जो लोग तानाफूसी करने वाले हैं और लोगों को ब्लैकमेल करने वाले हैं, इन लोगों से आप बच के रहें। इंशाल्लाह हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जहां भी DC साहब को आपको ज़रूरत पड़ेगी, इंतजामिया ज़िला इंतजामिया SP साहब हैं चाहे मेंडर में SD साहब हैं, जहां भी आपको ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह हम शाना बशाना ईमानदारी पर जो है हम आपका साथ देंगे। मैं इसी पर जाल चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।